अस्सलाम वालेकुम। टुडे 90 डे चैलेंज का 19वां दिन, ये आज की रेमेडी हमारे सामने। आज से दोबारा से रेमेडी हमने जो स्टार्ट की है वो अंजीर वाली की है। तो ये अंजीर हमने रात को 5 भिगो के रख दी थी, इसमें ये तकरीबन ना इससे एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता है इसमें कप में, तो ये चूँकि कप पूरा नहीं है तो ये तकरीबन एक गिलास ही पानी है। तो लेकिन चूँकि रात सारी सर्दी की वजह से वो पानी ठंडा था, ये अब हमने इसको ना गर्म कर लिया। आप इसको ओवन में गर्म कर लें या किसी जगह के ऊपर, यानी कि नीम गर्म सा हो ताकि आप इसको पी सकें। तो ठंडा नहीं पीना, नीम गर्म सा इसको करके पीना है। तो हम अपनी रेमेडी पीते हैं, आप भी अपनी रेमेडी पिएं, फिर वार्म अप और एक्सरसाइज में। और कोशिश करूँगा कि आज आपको एक नई एक्सरसाइज उसमें ऐड करवा दूँ, उसमें सेट्स में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसको रूटीन का हिस्सा बनाते रहेंगे। ठीक है जी, हम अपनी रेमेडी पीते हैं, आप भी अपनी रेमेडी पिए। अस्सलाम वालेकुम। टुडे 90 डे चैलेंज का 19वां दिन, ये आज की रेमेडी हमारे सामने। आज से दोबारा से रेमेडी हमने जो स्टार्ट की है वो अंजीर वाली की है। तो ये अंजीर हमने रात को 5 भिगो के रख दी थी, इसमें ये तकरीबन ना इससे एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता है इसमें कप में, तो ये चूँकि कप पूरा नहीं है तो ये तकरीबन एक गिलास ही पानी है। तो लेकिन चूँकि रात सारी सर्दी की वजह से वो पानी ठंडा था, ये अब हमने इसको ना गर्म कर लिया। आप इसको ओवन में गर्म कर लें या किसी जगह के ऊपर, यानी कि नीम गर्म सा हो ताकि आप इसको पी सकें। तो ठंडा नहीं पीना, नीम गर्म सा इसको करके पीना है। तो हम अपनी रेमेडी पीते हैं, आप भी अपनी रेमेडी पिएं, फिर वार्म अप और एक्सरसाइज में। और कोशिश करूँगा कि आज आपको एक नई एक्सरसाइज उसमें ऐड करवा दूँ, उसमें सेट्स में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसको रूटीन का हिस्सा बनाते रहेंगे। ठीक है जी, हम अपनी रेमेडी पीते हैं, आप भी अपनी रेमेडी पिएं। जी हमने जो है ना आपको शायद एक्सरसाइज और वार्म अप नहीं दिखा सकेंगे, उसकी एक बड़ी वजह है कि आज संडे का दिन है और जाना है किसी जगह के ऊपर, और जल्दी जाना है मैंने, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज हमने ऐड करनी है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। वो एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं अपनी एक्सरसाइज किसी और टाइम में करूँगा, दिन में करूँगा या शाम को करूँगा। तो क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी है, जाना है, मैं सिर्फ आपको वो एक्सरसाइज बता देता हूँ कि वो वाली एक्सरसाइज आपने ऐड करनी है, और उसके बाद फिर हम अपना जो है वो करते रहेंगे रूटीन का हिस्सा इंशाल्लाह। ये देखें, ये आपको ना एक डब्बा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस डब्बे को स्टेप बनाया मैंने, जैसे सीढ़ी का एक स्टेप होता है ना, ये स्टेप बनाया। ये स्टेप आपका होना चाहिए 6 इंच से 9 इंच तक की हाइट का, ठीक है। तो इस स्टेप को फिर आप किस तरह से इस पर एक्सरसाइज करेंगे, आए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद फिर समझाता हूँ आपको। ये गोल ऐसा है, ये देखिए, ये इधर खड़े, ये ऊपर आ गए, फिर आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर ये आ गए, ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये फिर, इसके बाद ये, 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 फिर ये, ये, फिर आप भी कर, आप करो ऐसे ऊपर, इसके ऊपर ऐसे, फिर आप नीचे, चलो फिर ऊपर ऐसे, फिर आप नीचे, फिर ऊपर ऐसे, फिर नीचे, चलो ठीक है, बहुत है। अच्छा, ये करना है आपने, स्टेप पे चढ़ना है, स्टेप से उतरना है। अगर तो सीढ़ियाँ हैं घर में तो सीढ़ियों पे आप ऐसे कर लें, सीढ़ियाँ नहीं हैं, सीढ़ियाँ अमूमी तौर पे घर में ऐसी नहीं होती। आजकल जो है वो टाइल ऊपर लगी हुई है और उसके बाहर ना किनारे निकले होते हैं, उन किनारों के ऊपर हम ये नहीं कर सकते।
तो इसलिए आप एक अपना मैनुअल स्टेप बना लें, लकड़ी का बना लें, कोई लोहे का बना लें, या इस तरह मेरी तरह देसी बना लें। मैंने क्या किया हुआ है, इस डब्बे में ईंटें रखी हुई हैं, ठीक है। आप ऐसा देसी बना लें और इसको अदरवाइज़ वो सामने जो है वो बच्ची बैठी मेरी वो देख रही थी कि जादू हो गया कि आप इस बॉक्स के ऊपर खड़े हो गए हैं, बॉक्स ने आपका वेट बियर कर लिया। बॉक्स ने वेट बियर नहीं किया, ये बेसिकली मैंने इसमें ईंटें डाली हुई हैं। आप भी ईंटें डाल के इसको देसी सा बना लें। और ये करना कितने दफ़ा है, पॉइंट टू भी नोटेड, ये करना कितने दफ़ा है, ये आपने कम से कम दो सेट करने हैं, दो दो मिनट के। स्टॉप वॉच लगा लें और करते जाएं, काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, मिनिमम दो मिनट मैक्सिमम तीन मिनट, और ये सेट करने हैं दो से तीन, ठीक है। तो इसको अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाएं, मैं भी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।